हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। हमारी आज की रेसिपी है बहुत ही खट्टी मीठी सी टमाटर की चटनी। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, मॉर्निंग में सोचते हैं क्या बनाएं ना बनाएं, सब्जी भी नहीं है और हमें मन भी नहीं करता है खाना बनाने का या नाश्ता बनाने का। तो आप ये टेस्टी सी चटनी आप गर्मा गर्म पराठे के साथ अगर सर्व करेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स को तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम इस रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। एक पैन में घी ऐड कीजिए, घी से इस चटनी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और इस घी को अच्छे से गर्म होने दीजिए। मैंने यहाँ पर लगभग 2 चम्मच घी लिया है और फिर अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा को हल्का सा लाल रंग का हो जाने दीजिए। अब हम इसमें तेज पत्ते को ऐड करेंगे और 2 लाल मिर्च। लाल मिर्च में इसमें हल्का सा तीखापन आता है जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है हमारी चटनी को। फ्रेंड्स, ये चटनी रियली बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही यम्मी बनती है, गर्मा गर्म पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। ये है फ्रेंड्स, अब मैंने ड्राई डेट्स ऐड किया है जो कि मैंने बिल्कुल रफली चॉप कर रखा है और ये है सूखा नारियल, इसको भी मैंने बिल्कुल रफली चॉप किया है, थोड़े बड़े बड़े पीसेस में रखे हैं। आप अगर चाहें तो छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, अब हमने टमाटर लिया है जो कि मैंने थोड़े बड़े पीसेस में ही कट किए हैं। अब हम उसे पैन में ऐड करते हैं और थोड़ी देर तक पकाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक तीखी टमाटर की चटनी का भी वीडियो बनाया है जो बहुत ही टेस्टी है, आप वो भी एक बार ज़रूर देखें। अब हम इसे थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे जब तक इसका पूरा पानी ना निकल जाए। इस प्रोसेस में हमें कम से कम लगभग 10 मिनट लग सकता है। इसको आप अच्छे से ढक करके पकाइए, बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे, बिल्कुल टमाटर गल जाएंगे। रियली फ्रेंड्स, ये टमाटर की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, गर्मा गर्म पराठे के साथ खा सकते हैं आप ये, या फिर आप पूड़ी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए अब ये हमारा टमाटर है बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे, आप गुड़ के बदले चीनी भी ऐड कर सकते हैं लेकिन गुड़ का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने इस पर पूरा 1 कप गुड़ ऐड किया है। अब गुड़ को अच्छी तरह से पका लीजिए जब तक वो गल ना जाए। मैंने गुड़ के बहुत छोटे छोटे पीसेस कर रखे हैं तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा गुड़ को गलाने में। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हमने गुड़ डाला है टमाटर का रंग कितना सुंदर आ गया है, हमारी चटनी का रंग बहुत ही सुंदर हो गया है। आजकल फ्रेंड्स मार्केट में भी टमाटर बहुत सस्ते मिल रहे हैं तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में 2-3 दिन के लिए। आप चटनी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बना लीजिए और जब भी मन है आपको खाने का आप ले करके खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चटनी लगती है फ्रेंड्स खाने में, आप प्लीज़ एक बार चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए हमारी जो चटनी थी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मैंने बंद कर दी है और टमाटर के चंक्स मैंने ज़्यादा गलाए नहीं हैं क्योंकि वो खाने में ऐसे ही अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हमारा बहुत ही यम्मी, बहुत ही स्वाद वाला चटनी रेडी है सर्व करने के लिए गर्मा गर्म पराठों के साथ। आप भी फटाफट जाइए अपने किचन में और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।